हेलो भाइयों, मेरा नाम है यंशु। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भाई आपकी ब्रेजा VXi 2023 में, VXi वेरिएंट में, जो ये 7 इंच का आपका मतलब 7 इंच की स्क्रीन का आपको जो इंफोटेनमेंट आता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो आज हम ये जानने वाले हैं एप्पल कारप्ले की जो इसमें कनेक्टिविटी मिल जाती है, अब एप्पल कारप्ले के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, यह आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है अगर आपके पास भी ब्रेजा VXi 2023 है तो। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहना, वीडियो को स्किप करके मत देखना। और भाई वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो आप। बाकी भाई वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको दिखाऊँ तो ये ऐसे से मतलब फ़ोन, ये आपको फ़ोन का आइकन दिख रहा होगा, ऐसे इसमें मैं जैसे इसे दबाऊँ तो इसमें आपका जैसे मतलब फ़ोन में आप एक्सेस कर सकते हो ना, वो वाली चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो इसमें फ़ोन में, मतलब इसमें सारा जो इसका 7 इंच की स्क्रीन का इंफोटेनमेंट है, बिल्कुल इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल ऐसे ही बन जाता है जैसे फ़ोन का इंटरफेस होता है। एक सेकंड यार, मैं लाइट बंद कर लेता हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो आपको इतने अच्छे से क्लियर दिख नहीं पा रही होगी। तो भाई मैंने लाइट बंद कर ली है। अब इसमें जो फ़ोन वाला मतलब जैसा आपके फ़ोन में बना आता है ना, पूरा का पूरा इसमें वैसा ही इंटरफेस बना आ रहा है। अब मैं जैसे इसमें दिखाऊं आपको, आपने कोई भी अगर फेवरेट्स में आपने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर रखा होगा तो उसमें वाली चीज़ आ जाएगी, फेवरेट्स कॉन्टैक्ट वाली। अब हम साइड में चलें तो इसमें रिसेंट का टैब आ जाता है, रिसेंट में आपने जिस जिसको फ़ोन मिलाया है सारा कुछ हिसाब किताब आ जाता है, मतलब पूरी हिस्ट्री आ जाती है इसमें, आपने कब किसको कैसे कैसे क्या क्या फ़ोन मिलाया। कॉन्टैक्ट की तरफ चलें तो भाई कॉन्टैक्ट आ जाते हैं ये आपके सारे के सारे। अब भाई इधर कीपैड में, कीपैड की तरफ चलें तो आप वही नंबर वगैरह डायल करके कोई भी नंबर वगैरह मिला सकते हो, लेकिन भाई ये तब एक्सेसिबल है जब आपकी गाड़ी आइडल कंडीशन में खड़ी हो। मैं आपको दिखाऊं, जब आपकी गाड़ी ना मतलब खड़ी हुई हो ना, आप इसका जो कीबोर्ड वगैरह है तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, वैसे एक्सेस नहीं कर सकते हो आप इसे। तो अब हम साइड में चलें तो इसका कुछ ये ऐसा सा, जैसी भाई मैंने वॉइस मेल दबाया, मतलब वॉइस मेल का जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है ये मैंने दबाया और एकदम से मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो कट गई। तो पता नहीं कुछ ऐसा इनका हिसाब किताब होगा वॉइस मेल का, ये तो मुझे पता नहीं क्या होता है। बाकी अब हम अगली एप्लीकेशन की तरफ चलें, अगली वाली जो है ये म्यूज़िक की है। अब ये जो म्यूज़िक है ना, ये मैं आपको बताऊं, म्यूज़िक परचेज्ड इन आईट्यून्स और एडिड फ्रॉम योर कंप्यूटर विल अपीयर हेयर। इसका मतलब है इसके लिए आपको आईट्यून्स का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा तब आपकी ये वीडियो मतलब तब आपकी ये वाली एप्लीकेशन चल पाएगी, ये जो मतलब म्यूज़िक वाली जो एप्लीकेशन है ये आपकी तभी चल पाएगी। बाकी इसमें ये आपका प्लेलिस्ट मिल जाती है, रेडियो मिल जाता है, रेडियो तो इसमें वैसे भी इनबिल्ट आता है, क्या इसमें रेडियो सुन के करना। अब मैं भाई इसका अगला वाला ऑप्शन बताऊँ, मतलब अगली वाली एप्लीकेशन बताऊँ मैं इसकी, तो ये है आपकी एप्पल मैप्स की, मतलब आप इसमें कोई भी लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अभी डाल के दिखाऊँ आपको। और ये जो मतलब जितना भी इसमें आपकी एप्लीकेशन में कीबोर्ड वगैरह आ रहा है ना, इन वाले कीबोर्ड्स को आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आपकी गाड़ी मतलब खड़ी हुई हो, अगर आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में है तो ये आपको कीबोर्ड्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वो ये मतलब ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होता है इस वाली चीज़ से, तो इन्होंने मतलब कीबोर्ड का एक्सेस नहीं दे रखा जब आपकी गाड़ी रनिंग में हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये आइडल के लिए है। जैसे मैं आपको गाज़ियाबाद डाल के दिखाऊँ तो इसमें हम गाज़ियाबाद की लोकेशन लगा लेंगे, आ रूट कांट बी शोन बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम कनेक्टिंग टू अ सर्वर। एक बार हम ओके कर देते हैं, फिर से डालना पड़ेगा भाई। हाँ अब चल गया, तो अब आ जाएगा ये भाई गो का ऑप्शन आ गया, हम गो पर क्लिक करें तो ये ऐसे आपकी इसमें नेविगेशन वगैरह लग जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप इसमें मतलब 3D मैप्स वगैरह भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको बैक करके दिखाऊं, इसे एग्जिट करता हूं, ये मैं आपको इसमें 3D में दिखाऊं तो ये 3D में भी हो जाएगा मैप, एप्पल मैप्स जो है। सेकेंड थोड़ा सा लैग वाली प्रॉब्लम है इसमें, बाकी तो मतलब काम ये बड़े करता है, काफ़ी यूज़फुल फीचर है। बाकी भाई मतलब आप इसमें कुल मिला के भाई नेविगेशन वगैरह सेट कर सकते हो इसमें, आपको कहीं भी रूट वगैरह पर जाना है, मतलब कहीं भी ट्रिप वगैरह पर जानी है तो आप इसमें मतलब वही एप्पल कारप्ले की केबल वगैरह से आप जोड़ सकते हो और अपना लोकेशन लगाओ और कहीं भी जा सकते हो। ये आपका नेक्स्ट वाला जो है ये मैसेजेस का है, आपको मतलब जो भी मैसेजेस वगैरह हैं वो आपको ये पढ़ के सुन, तो ये भाई इसमें आपको मैसेजेस जो है वो आपको ये ऐसे पढ़ के सुना देगा, मतलब आपका कोई भी ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, जैसे आप मैसेजेस वगैरह अपने फ़ोन में रीड कर ले तो वो चीज़ आपको इसमें नहीं मिलने की। मैं आपको दिखाऊं तो ये नेक्स्ट वाला जो है नाउ प्लेइंग है, मतलब इसमें आपका कौन सा गाना वगैरह चल रहा है, कौन सी एप्लीकेशन से चल रहा है। तो ये अभी मैंने विंक चला रखी थी, तो ये सारा का सारा जो इंटरफेस है विंक का इंटरफेस है। मैं भाई नेक्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ चलूं, मतलब एप्लीकेशन की तरफ चलूं, तो ये आपकी पॉडकास्ट की है, मतलब जितने भी पॉडकास्ट वगैरह होते हैं वो आप इसमें ऐसे सुन सकते हो।
और ये भाई आपकी ये ऑडियो बुक्स की ऐप है अगली वाली जो है, मतलब आपको वही यार इन सब चीजों के लिए ना आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा, या आपका अगली ऐप जो है ये आपकी ही है कैलेंडर वाली, मतलब इसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हो। नो इवेंट्स टुडे, इसमें भी मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती देखने के लिए, सिर्फ ये आपका डेट मतलब डेट ही दिखा रही है। इस पर भी मैं क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, सिर्फ डेट ही दिखाती है। अगली वाली जो एप्लीकेशन है वो इसकी सेटिंग है। अब सेटिंग में किस चीज की मतलब किस किस चीज की सेटिंग है ये हम देख लेते हैं। तो पहली वाली जो इसमें सेटिंग आ रही है वो ड्राइविंग फोकस की सेटिंग आ रही है। नेक्स्ट वाली जो सेटिंग आ रही है वो ड्राइविंग फोकस की सेटिंग आ रही है। एक्टिवेट विद एप्पल कारप्ले ड्राइविंग फोकस साइलेंसेस सम अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस, इनकमिंग कॉल्स विल नॉट बी साइलेंस्ड व्हाइल यूजिंग कारप्ले। तो मतलब आप ये अगर कारप्ले के साथ एक्टिवेट कर देते हो तो मतलब जो डिस्ट्रेक्शन होती है ना वो वाली चीज भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आप इसे ऑन कर लेते हो तो। मतलब ये इसकी सेटिंग मिल जाती है। और अनाउंस मैसेजेस यही है, अगर आपको कोई भी मैसेज वगैरह आएगा तो ये अनाउंस कर देगी। मतलब इसका जो इंटरफेस है ये मतलब ये जो कारप्ले है ये आपके मैसेजेस को अनाउंस कर देगा। मतलब ऐसे पढ़ने के लिए रीड वगैरह नहीं कर सकते आप इसमें, वही क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप इसमें कुछ भी रीड वगैरह इसमें ज्यादा ध्यान नहीं लगा सकते। इस वजह से इन्होंने सब कुछ आपको सुनाने के लिए ही करा है। मतलब आप जो भी चीजें हैं ये आपको मैसेजेस पढ़ पढ़ के सुना देगा, आप इसमें रीड वगैरह नहीं कर सकते। और अब मैं अपीयरेंस दिखाऊं तो आपका वही है ऑलवेज डार्क ऑटोमेटिक, जो इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरफेस है वो आपको डार्क रखना है लाइट रखना है ये सारी चीजें हैं इसमें, मतलब इस वाली जो सेटिंग में है। अब मैं नेक्स्ट करूं तो भाई आपका इसका वॉलपेपर आ जाता है, वॉलपेपर आपको कौन सा लगाना है ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट करूं तो इसमें आपको सीरी एंड सजेशंस आ जाता है, जिसमें आपको सजेशंस इन डैशबोर्ड मतलब ये वाली सारी सीरी की सेटिंग आ जाती है, जो आप कहते हो ना हेलो सीरी हाय सीरी। नेक्स्ट वाली जो सेटिंग है ये भाई शो एल्बम आर्ट है, ये पता नहीं क्या है। तो ये मतलब ये जो सेटिंग में जितनी भी सेटिंग आती है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलूं तो ये भाई आपका गूगल मैप्स आता है। मतलब एप्पल मैप्स जो है वो कम अपडेटेड रहता है और गूगल मैप्स जो है वो पूरा का पूरा अपडेटेड रहता है टाइम के साथ साथ। जो इसमें बहुत सारे रस्ते वगैरह हो जाते हैं वो इसमें टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं और सही रहते हैं। मतलब गूगल मैप्स मैं जहां तक इस्तेमाल कर रहा हूं तो एप्पल मैप्स से मुझे ये अच्छा लगता है, पर्सनली मैं बताऊं बढ़िया लगता है एप्पल मैप्स के मुकाबले। तो बाकी आपकी ये नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है स्पॉटिफाई की है, आप इसमें वही गाने वगैरह चला सकते हो जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था विंक में, विंक की एप्लीकेशन चली थी ऐसी ही इसमें स्पॉटिफाई की एप्लीकेशन चलेगी। और टेलीग्राम का हिसाब किताब मैं बताऊं आपको खोल के, मतलब अभी मैंने टेलीग्राम खोला था तो उसका भी मतलब यही है भाई, ये आपके मैसेजेस वगैरह सारे के सारे अनाउंस कर देगी टेलीग्राम के भी। यूडेमी का क्या है, एक बार यूडेमी भी खोल के देख लेते हैं। यूडेमी के लिए शायद से इसमें आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, तो भाई अभी तो ये पता नहीं लोडिंग सा हो रहा है चल नहीं रहा, तो हम इसे बैक करते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है इसमें व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है। अभी भाई मैंने व्हाट्सएप खोला था तो इसमें इसने बोल दिया था कि आपको कोई मैसेज भेजना है या कॉल करनी है व्हाट्सएप से तो आप कर सकते हो सीरी से कह के। तो इसमें भी मतलब व्हाट्सएप में भी आप ऐसे कर सकते हो, बाकी ये आपका विंक की है। इतनी एप्लीकेशन आपकी इसके साथ कंपेटिबल है और एप्लीकेशन इसके साथ कंपेटिबल नहीं है। तो यही थी गिनी चुनी एप्लीकेशंस, मैंने आपको सारी की सारी बताई दी हैं कि कौन कौन सी इसमें एप्लीकेशंस वगैरह चल जाती हैं। बाकी इसमें जैसे आप एंड्रॉइड ऑटो में अपना यूट्यूब चला लेते हो ना, वो आपको इसमें एप्पल कारप्ले में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन होती है एंड्रॉइड ऑटो में जो यूट्यूब चल जाती है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा चलाया जाता है। यूट्यूब जो है वो आप इसमें नहीं चला सकते, क्योंकि भाई इसमें क्योंकि आईफोन की जो है वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो इस वजह से आप इसमें YouTube वगैरह नहीं चला सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, तो इस वजह से वो आप एप्लीकेशन वगैरह नहीं चला सकते। तो YouTube आपका सिर्फ और सिर्फ आपका एंड्रॉइड ऑटो में ही चल पाएगा, आपका एप्पल कारप्ले में नहीं चल पाएगा। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।